नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके प्रिपरेशन में मदद करने के लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर हमारी एमपी स्पोर्ट सीरीज में। दोस्तों जो आज का ये लेक्चर है हमारी वो स्पोर्ट सीरीज का एक आखिरी लेक्चर है, या फिर आप ये कह सकते हो सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम करंट अफेयर्स, जो एमपी स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है ये किसी एक फिक्स्ड टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स के ऊपर इतने लेक्चर क्यों, तो मैं आप सभी को जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, देखिए सफल वही होते हैं जो असफलता की गुंजाइश तक ना छोड़ें। मतलब कि आप कोई ऐसी चीज ना छोड़ो कि भाई जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए या आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। और इसी चीज को हासिल करने के लिए मैं इतने लेक्चर्स बना रहा हूं कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। हर एक लेक्चर हार्डली हाफ एन आवर का होता है, तो अगर आप हाफ एन आवर का एक कोई लेक्चर देखते हो तो इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसी बैकग्राउंड के साथ आज का जो लेक्चर है मैं आपको उसका मुख्य मुद्दा बता ही चुका हूं कि क्या है एमपी स्पोर्ट्स, जो एमपी का स्पोर्ट्स सेक्शन है उसके कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स। दोस्तों ये लेक्चर है ये सीरीज का 9th लेक्चर है। इससे पहले मैं इस सीरीज में 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द 9th वन। दोस्तों ये जो सीरीज है दैट कंप्लीट सीरीज इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड दी रिक्वायरमेंट ऑफ एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वाला लेक्चर तो आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो लेक्चर्स हैं वो बाकी और भी स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स देख सकते हैं जो एमपी गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी तथ्य हैं वो सारे एमपी से ही रिलेटेड हैं, तो आपको एमपी के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों इस स्लाइड पर आप देख रहे हो अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो GS1 का पेपर होता है उसका सिलेबस। तो यहां पे आप इस लेक्चर को एक सेकंड के लिए रोकिए और इस पूरे जो सिलेबस दिया हुआ है उसको एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है और क्या आपको और पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न इट डील्स विद दिस पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, ये जो आपका दिया हुआ है इससे ये डील करता है। दोस्तों इस स्लाइड पर आप देख रहे हो अभी तक की प्रीलिम्स की सीरीज में मैंने किस टॉपिक पर कितने लेक्चर अपलोड किए हैं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कंसर्न इट इज अ पार्ट ऑफ एमपी स्पोर्ट्स सीरीज ऑन विच आई हैव सो फार अपलोडेड 8 लेक्चर एंड दिस वन इज गोइंग टू बी दी 9th वन। इज इट क्लियर? दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लेक्चर है ये अब ये सीरीज समाप्त होने वाली है, तो इसकी जो PDF है वो आपको इंस्टामोजो में मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने अभी 4 मॉक टेस्ट पेपर्स और बनाए हैं जिसमें जो डील करते हैं आपके पॉलिटी, जनरल साइंस और एमपी स्पेसिफिक। अगर आपने ये एमपी वाला पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो भाई एक नंबर बात है, मतलब आपके समझ लो 4 से 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। प्लस आप लोग जो लोग आपको पता है कि प्रीलिम्स 2019 का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने लेक्चर सीरीज बनाई है अगर आप इसको पूरी अटेम्प्ट करते हो, पूरा देखते हो, तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे क्योंकि वो एमपी से डील करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, फुल टाइम मेंबरशिप ले ली है, तो वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं लिया है उनको मैं बताना चाहता हूं, देखिए एक कहावत चलती थी जब तक किसी के कान खींचे ना जाएं तब तक वो शिक्षा याद नहीं रहती। अब फिजिकल पनिशमेंट तो देना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप लोग फीस पे करते हैं तो आप भी मेरे वीडियोज को प्रॉपरली वॉच करोगे और जो भी मेरी एडवाइस या गाइडेंस है आप उसको फॉलो करोगे। तो इसीलिए जो लोग भी करना चाहते हैं, देखिए आप लोग एक एक करके सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो भी इंटरेस्टेड है मेरे लेक्चर्स में वो सब देखें। प्लस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें बाय लाइकिंग और क्या कहते हैं डिसलाइकिंग और कमेंट करके। प्लस अगर आपको लगता है ये जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं अगर वो काम की है दूसरों को भी देखना चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस। नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये आज का लेक्चर है, सॉरी ये मैं यहां पे ये बदलना भूल गया हूं, अदरवाइज जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मिसलेनियस टॉपिक, मतलब जनरल बातें के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश के जनरल चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि जो एमपी है, एमपी में ऐसा बोला जाता है स्पोर्ट्स में एमपी काफी पीछे है। अगर आप देखो आईपीएल में एमपी की टीम नहीं है, अगर आप और भी किसी भी चीज में कंपेयर करो और किसी स्टेट से, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा आगे हैं, या फिर आपकी साउथ की स्टेट्स देख लो वो लोग कितने आगे हैं, लेकिन एमपी का इतना कोई खास नाम नहीं है। तो एमपी का अगर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है एमपी का नाम, उसका रीजन क्या है? एक तो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, एमपी में जो न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता
जाता है। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो कि मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, मतलब वो अपने आप को मेन स्ट्रीम का पार्ट ही नहीं मानती है। अब जब वो मेन स्ट्रीम का अपने आप को पार्ट नहीं मानेगी तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। उसके अलावा एमपी में बहुत ज्यादा टैलेंटेड कोचेज नहीं है अभी आज के टाइम पे। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पोर्ट्स जो है अभी स्पोर्ट्स को इतना मेन माना ही नहीं जाता एमपी में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन बहुत ज़्यादा एमपी में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आप समझते हो कि नेताओं का बहुत ज़्यादा बीच में आना। उसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नेक्सस होता है कि मतलब बड़े बड़े ही लोगों में बीच में हो जाता है और जो बाकी की पब्लिक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। करप्शन बहुत होता है। उसके अलावा एमपी में बस कुछ ही स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जैसे कि हॉकी हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका क्रिकेट हो गया, अदरवाइज ज़्यादा स्पोर्ट्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उसका विजन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, मतलब वो अभी जो एमपी में स्पोर्ट्स को देखते हैं वो क्या इसलिए देखते हैं, या कोई जो भी इंसान होता है वो स्पोर्ट को सिर्फ इसलिए परस्यू करता है सो दैट उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अभी कोई भी एमपी में स्पोर्ट इसलिए नहीं खेलता कि वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उसकी रुचि है या वो उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो ये उनका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड है। उसके अलावा इनकरेजमेंट, मतलब एमपी की स्टेट जो गवर्नमेंट है वो करती तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन करप्शन होने की वजह से जो मेन प्लेयर्स हैं, जो आम जनता है, उन तक वो इनकरेजमेंट नहीं पहुंच पाता है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। जो लोग हैं उनके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है। अभी भी जो एमपी के लोग हैं वो स्पोर्ट को ऐसा समझते हैं टाइम वेस्ट, या फिर ये तो मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ये दिक्कत है। उसके अलावा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। एमपी वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज राइजिंग स्टेट है लेकिन फिर भी एमपी में आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके चक्कर में लोग अपनी बुनियादी ज़रूरत मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करने में लगे हुए हैं। अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्पोर्ट जैसे लेजर, मतलब स्पोर्ट को लेजर समझते हैं तो वो उसको खेलते ही नहीं है। गॉट इट? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपका पेपर थ्री में, जीएस जो मेंस का पेपर होता है, पेपर थ्री में कोई क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऐसा आता है कि व्हाट इज द स्पोर्ट्स सिनेरियो ऑफ एमपी, तो आपको ये पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हो। इज इट ओके? आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एमपी स्पोर्ट में काफ़ी पीछे है, तो एमपी की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे स्पोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। आप या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी एफर्ट्स टेकन बाय एमपी गवर्नमेंट टू प्रमोट दी स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्टिंग स्पिरिट इन एमपी, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो नई स्पोर्ट पॉलिसी 2005 को डिक्लेयर किया गया सरकार के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। आपको पता होगा कि पहले एमपी में जो स्पोर्ट काउंसिल थी उसको रिप्लेस करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई गई। उसके अलावा एक डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो कि स्पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, यूथ को इंकरेज करने के लिए बनाया गया, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसके अलावा स्पोर्ट फंड को एस्टेब्लिश किया गया, मतलब एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया है स्पोर्ट फंड, जिसकी मदद से स्पोर्ट की एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाएगा। उसके अलावा कई स्टेडियम सेटअप किए गए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। कैश अवार्ड्स, जो कैश अवार्ड दिए जाते हैं आपको पता होगा 2011 में, जितने भी जैसे एमपी में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो जो जितने भी अवार्ड थे इनका जो प्राइज मनी था उसको बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया था? 2011 में। उसके अलावा स्पोर्ट स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशनलाइज की गई है। अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैंने ये लेक्चर सबसे आखिरी के लिए रखा था। मैंडेटरी स्पोर्ट्स, अब ऐसा एमपी में ये बोल दिया गया एमपी सरकार के द्वारा कि जो स्पोर्ट स्कूल होंगे वहाँ पे स्पोर्ट के लिए मैंडेटरी टाइम दिया जाएगा, मतलब एक पीरियड डेडिकेटेड होगा स्पोर्ट के लिए, मतलब ये जो बच्चों का क्यूरिकुलम होता है स्कूल का उसमें उनको लिए टाइम निकाला जाएगा, उनको हर दिन 30 से 40 मिनट का एक पीरियड दिया जाएगा गेम्स खेलने के लिए। स्पोर्ट को रूरल एरियाज में इंकरेज करने के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जैसे कि रास जो मैं आपको बता रहा था ना पिछले लेक्चर में कि बहुत सारे कप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए कोटा नियुक्त किया गया सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें। अभी अगर कोई बच्चा स्पोर्ट खेलता है तो उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा कौन सा स्पोर्ट खेल के तेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, लोगों की बेसिक नीड को समझा और अब बोला कि जो लोग भी स्पोर्ट्स खेलेंगे उनका कोटा होगा पुलिस में, जेल में, डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप लिख सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी रीसेंट एफर्ट्स टेकन बाय दी एमपी गवर्नमेंट टू प्रमोट दी स्पोर्ट्स, तो आप ये पॉइंट वहां पे लिखोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, पॉलिसी बनाई गई, अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई, डिपार्टमेंट बनाया गया, फंड बनाया गया, स्टेडियम्स बनाए गए, नए जो अवार्ड्स थे उनको इंक्रीज किया गया, और क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप दी गई। उसके अलावा मैंडेटरी टाइम डेडिकेट किया गया, रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, और तो और लोगों के लिए स्पोर्ट का कोटा भी रखा गया।
अब बात करते हैं, ये तो सरकार ने कदम उठाए हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट आर योर सजेशंस फॉर द एमपी गवर्नमेंट टू प्रमोट दी स्पोर्ट, मतलब पेपर में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन कि भाई सजेस्ट सम ऑफ द एफर्ट्स टू प्रमोट दी स्पोर्ट्स इन एमपी, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या सजेस्ट करोगे, तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को बता सकते हो, जैसे कि नए प्लेग्राउंड्स, स्टेडियम्स और अखाड़े बनाए जाएं स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि आपको पता होगा एमपी में ट्राइबल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस ट्राइबल पॉपुलेशन को स्पोर्ट में इंगेज करने के लिए क्या किया जाए कि प्लेग्राउंड, स्टेडियम और अखाड़े को इस्टेब्लिश किया जाए, और स्पेशली कैसे एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में। सेकेंड ऑफ ऑल, जो प्लेयर स्पोर्ट खेलते हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी दी जाए, मतलब उनको जॉब्स दी जाएं, उनके लिए कोटा बनाए जाएं और से और ज्यादा से ज्यादा, उनके लिए और भी ज्यादा लाइफ स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो ये सारे काम करने होंगे। उसके अलावा जो प्लेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, उनके लिए कुछ स्टेट सर्विस में रिजर्वेशन किए जाएं, फॉर एग्जांपल डिप्टी कलेक्टर वगैरह या डीएम वगैरह की पोस्ट, एसडीएम की जो पोस्ट होती है उसमें रिजर्वेशन किए जाएं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग स्पोर्ट की तरफ आकर्षित हो। इज दैट क्लियर? उसके अलावा स्पोर्ट कोचेस को अपॉइंट किया जाए, मतलब अभी भी जैसे स्पोर्ट के कोचेस होते हैं या तो वो बहुत कम है या फिर डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा, या फिर वहां पे वैकेंसीज रहती हैं, तो इसीलिए एमपी को जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोचेस को आकर्षित करें जो कि नए युवाओं को ट्रेन कर सकें। उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम से कम करना होगा। अब ये कैसे कम होगा कि जो भी स्पोर्ट अकेडमीज हैं या स्पोर्ट की एसोसिएशंस हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट खेलने वाले प्लेयर्स को लेके आया जाए, सो दैट आपको पता है अगर जो लोग जिस फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं वो उस फील्ड की नीड्स और रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको कैसे क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई की है एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, तभी से मुझे पता है कि क्या पढ़ना जरूरी है क्या नहीं, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा तो स्पोर्ट्स और ज्यादा प्रमोट होगा। उसके अलावा जो रीजन बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने की जरूरत है, जैसे कि अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो वो होते हैं क्या कहते हैं क्रिकेटर्स, वो इंदौर रीजन से आते हैं, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है कि इंदौर में ही स्टेडियम है, इंदौर में ही सारी फैसिलिटीज हैं, तो आपको इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करना होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सजेशन मांगता है तो आप क्या बोलोगे, प्लेग्राउंड वगैरह बनाओ ट्राइबल एरियाज में, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, कोचेस लेके आओ और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करो, और क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे कम करो। गॉट इट? आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में। अगर हम अभी हमने देखा कि एमपी पीछे है आगे है और ये सारी बातें जानी, लेकिन अब कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि कभी ना कभी एमपी से हैं और कभी ना कभी ओलंपिक में गए हैं, जो आपको पता है ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कैप्टन रूप सिंह है जो ग्वालियर से हैं और वो ओलंपिक्स में गए हैं, अहमद शेर खान जो भोपाल से हैं और वो ओलंपिक्स में गए हैं, असलम शेर खान ये भोपाल से हैं और ये गए हुए हैं किसमें, ओलंपिक्स में, किशन लाल ये देखिए ये हॉकी से, तो जो किशन लाल हैं वो भोपाल से हैं और वो भी गए हैं ओलंपिक्स में, हबीबुर रहमान भोपाल से थे लेकिन बाद में इन्होंने पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया था, समीर दाद ये भोपाल से हैं और ये भी ओलंपिक्स में गए हैं, लतीफ और रहमान ये भोपाल से थे लेकिन बाद में इन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया था। उसके अलावा कैप्टन अब्दुल संकूर ये भोपाल से हैं, अख्तर हुसैन ये ओलंपिक्स में गए हैं, शंकर लक्ष्मण ये महो से हैं, एहसान मोहम्मद खान ये भोपाल से हैं, इनाम उर रहमान ये भोपाल से, तुषार खाड़ेकर ये लंदन ओलंपिक्स में गए थे, शिवेंद्र सिंह चौधरी ये ग्वालियर से लंदन ओलंपिक्स में गए थे, और सैयद जलालुद्दीन रिजवी ये भी भोपाल से हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे लोग ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो अगर पेपर में ऐसा आए कि अगर आपको चार ऑप्शन दिए हो ए बी सी डी और पूछ लिया जाए इनमें से किसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए, या इनमें से किसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस लिस्ट को दो तीन बार देख लेना। अब बात करते हैं रियो ओलंपिक्स की, तो रियो ओलंपिक्स जो 2016 में हुए थे उसमें एमपी के कौन से प्लेयर गए थे, 7 प्लेयर गए थे, याद रखना कितने, 7 प्लेयर, 7 प्लेयर गए थे वुमेन अकेडमी से, जो वुमेन अकेडमी है ना हॉकी की ग्वालियर में, उससे 7 प्लेयर गए थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था रियो ओलंपिक्स 2016 में। इनके नाम क्या हैं, सुशीला चानू, पूनम रानी, रेणुका यादव, मोनिका, प्रीति दुबे, अनुराधा देवी और एचएल फैली। गॉट इट? तो ये 7 लोगों के नाम याद रखना। अब बात करते हैं
देखिए आपको पता है एमपी काफी पीछे है, तो एमपी में एक स्कीम चलाई गई थी सो दैट जो 2020 के ओलंपिक्स होने वाले हैं ना उसमें एमपी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत सके और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर एमपी को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि इसके अगर हम हाईलाइट की बात करें कि जो स्कीम है 2020 ओलंपिक वाली उसके क्या एम है, उसका एम है कि पहली बात तो जो एमपी के प्लेयर्स हैं उनको कोच किया जा सके ताकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें ओलंपिक्स 2020 में। ये स्कीम को अनाउंस किया गया था हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा युवा पंचायत ऑन जनवरी 16, 2013 को। इसमें यह बोला गया था कि अब ओलंपिक्स में जो 2020 का होगा उसमें मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स और शूटिंग इवेंट्स होंगे। तो अब अगर ये इवेंट्स होंगे तो आपको पता है एमपी इनमें अच्छा खासा परफॉर्म करता है, तो ये यहाँ पे एमपी जाएगा। इसके तहत जो टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे उनको 9 साल की, मतलब जो टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे उनको 9 साल की उम्र से बड़े जो बच्चे होंगे उनको पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको फिर कोचिंग दी जाएगी। और उसके अलावा उनको कोचिंग किसके द्वारा दी जाएगी, जो इंटरनेशनल रेप्यूट के प्लेयर्स हैं। उसके अलावा इस स्कीम के तहत, अच्छा ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा 4 मेल और 4 फीमेल प्लेयर का हर स्पोर्ट्स में एंड 6 प्लेयर ईच फॉर शूटिंग। तो टोटल 76 प्लेयर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा 9 साल की उम्र से, उनको ट्रेनिंग वगैरह मतलब उनको आइडेंटिफाई करके क्या किया जाएगा, अब कितने बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा हर एक स्पोर्ट के लिए, 4 लड़के और 4 लड़कियां, और इस शूटिंग के लिए टोटल 6 प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इन टोटल 76 प्लेयर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ये जो स्कीम है उसके तहत, याद रखना ओलंपिक 2020 स्कीम। जो सिलेक्टेड प्लेयर होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा 2 महीने के लिए इन सिलेक्टेड फॉरेन कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उनको विदेश में ले जाके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2 महीनों की। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा कार्यरत है हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। उसके अलावा इनको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा कंट्री में जहां पे उनको 1 महीने की हाई लेवल कोचिंग मिलेगी, ठीक है। तो मतलब 2 महीने के लिए फॉरेन और 1 महीने के लिए देश की जो सबसे बड़ी एकेडमी है वहां पे पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा नई पोस्ट क्रिएट की जाएंगी फिटनेस ट्रेनर की, साइकोलॉजिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की और मसाजर्स की। उसके अलावा 38 करोड़ 87 लाख को बोला गया है कि इस स्कीम के दौरान इतने रुपए खर्च किए जाएंगे, कितने 28 करोड़ 87 लाख रुपीज खर्च किए जाएंगे। तो ये है आपकी ओलंपिक 2020 स्कीम, ठीक है। अब बात करते हैं जो 35th नेशनल गेम्स हुए थे 2015 में केरला में, उसमें एमपी का क्या मतलब क्या रोल रहा था या कैसा एमपी ने वहां पे अचीव किया था। तो बात करें मध्य प्रदेश की, जो नेशनल गेम्स 2015 हुए थे उसमें 6th रैंक आई थी। नेशनल गेम्स 2015 में एमपी की क्या रैंक आई थी, 6th। टोटल एमपी ने जीते थे 92 मेडल्स, जिसमें से 23 गोल्ड, 28 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। मैक्सिमम मेडल जीते गए थे उस टाइम पे एमपी के द्वारा कनोइंग जो वाटर स्पोर्ट है और एक्वाटिक इवेंट्स में, यानी वाटर स्पोर्ट्स में। एमपी ने नेशनल गेम्स को होस्ट किया है कम से कम 2 बार, एक बार 1953 में जबलपुर में और एक बार 1962 में जबलपुर में। तो याद रखना अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नेशनल गेम्स को एमपी ने कितनी बार होस्ट किया है, याद रखना 2 बार, और कब कब, 1953 एंड 1962। और अगर बात की जाए नेशनल गेम्स की तो वो 2015 वाले नेशनल गेम जो केरला में हुए थे उसमें एमपी की रैंक थी 6th, और एमपी की रैंक थी 6th, और एमपी ने टोटल 92 मेडल्स जीते थे। इज इट क्लियर? चलिए कमेंट में ये बताना कि अगला जो नेशनल गेम्स है वो कब होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम और कुछ 35th नेशनल गेम्स से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो याचिंग जो है वो पहली बार इंक्लूड किया गया था 35th नेशनल गेम्स में। अगले जो नेशनल गेम्स थे 36th नेशनल गेम वो 2016 में हुए थे एंड हेल्ड इन गोवा, ठीक है। तो 2015 के बाद 2016 वाले जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, गोवा में। और नेशनल गेम्स सबसे पहली बार स्टार्ट हुए थे 1924 में, और सबसे पहला नेशनल गेम हुआ था लाहौर में, याद रखना सबसे पहला नेशनल गेम हुआ था लाहौर में 1924 में, ठीक है। 2016 वाले नेशनल गेम्स हुए थे, अब आपको ये बताना है नेक्स्ट नेशनल गेम जो है वो कब होंगे और कहां होंगे, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं पहले एशियन स्पोर्ट कंपटीशन की, जो कि एमपी में हुआ था 2003 में। आपको पता है एशियन स्पोर्ट चैंपियनशिप होती है, लेकिन एमपी में फर्स्ट एशियन चैंपियन स्पोर्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी फर्स्ट टाइम एमपी में। वो कब हुई थी, अक्टूबर 1 से 4, 2013 में इन अपर लेक, ठीक है। एमपी में सबसे पहली बार एशियन स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था 2013 में। इसमें 10 सीनियर और 4 जूनियर एशियंस कायाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप भी इंक्लूड की गई थी। 10th सीनियर और 4th जूनियर एशियन कायाकिंग और कनोइंग चैंपियनशिप को भी इंक्लूड किया गया था। टोटल 100 एशियन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की रैंक आई थी 4th, 17 मेडल जीते थे एमपी ने, सॉरी इंडिया ने, और चाइना की उसमें रैंक थी 1st। तो यह है एशियन स्पोर्ट कॉम्पिटिशन जो एमपी में ऑर्गेनाइज हुआ था।
तो इसी के साथ ये सारे जो लेक्चर्स हैं अब उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रिलिम्स के लिहाज से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आप वो देख लेते हैं। जैसे कि एमपी में डिपार्टमेंट बनाया गया था स्पोर्ट्स का, वो कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1975 में, 1975 में। उसके अलावा एमपी में स्पोर्ट अथॉरिटी बनाई गई थी जिसने रिप्लेस किया था एमपी स्पोर्ट काउंसिल को, कब? 2011 में। सबसे पहली स्पोर्ट पॉलिसी एमपी में आई थी 1989 में और नई स्पोर्ट पॉलिसी आई थी 2005 में जिसमें प्रोविजन था एडवेंचर जोन का भी। उसके अलावा एमपी इंडिया का ऐसा इकलौता स्टेट है जहां पे ये प्रोविजन है कि हर एक स्कूल में एक पीरियड एलोकेट किया जाएगा स्पोर्ट के लिए, कंपलसरी, मतलब करना ही होगा हर एक स्कूल को। मालखम जो है वो स्टेट स्पोर्ट बनाया गया था एमपी में, कब? अप्रैल 9, 2013 को। उसके अलावा जो एमपी में स्पोर्ट अथॉरिटी है वो हाईएस्ट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है एमपी का। एमपी में स्पोर्ट विलेज भी प्रपोज किया गया था कि एक स्पोर्ट विलेज बनाया जाएगा इन सतघड़ी 20 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। एमपी गवर्नमेंट जो है वो 1 करोड़ का कैश अवार्ड देती है हर एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो एमपी की सरकार उसको कितने रुपए देती है? 1 करोड़। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर जो है स्पोर्ट का डिपार्टमेंट एमपी का, उसने अभी तक 17 स्पोर्ट अकेडमीज को एस्टेब्लिश कर दिया है। विक्रम अवार्ड जो है वो एमपी का हाईएस्ट स्टेट स्पोर्ट अवार्ड है। कौन सा? विक्रम अवार्ड, याद रखना। प्रवास जोशी अवार्ड जो दिया जाता है वो मालखंब के लिए दिया जाता है। आगे संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे? पंचमढ़ी होशंगाबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में, नौजवान बच्चों में लीडरशिप इनकलकेट करने के लिए जो संजय गांधी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? पंचमढ़ी होशंगाबाद। भारत स्काउट्स एंड गाइड नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और उसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, भारत स्काउट एंड गाइड्स, अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले 18th रैली निकाली गई थी। इंदौर जो है, इंदौर क्या है? स्पोर्ट कैपिटल है एमपी की। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्पोर्ट कैपिटल क्या है एमपी की, तो वो है इंदौर। इंदौर स्पोर्ट कैपिटल है। पैसे कैपिटल क्या है? भोपाल। इंदौर फाइनेंस कैपिटल भी है एमपी की। अगर कल्चरल कैपिटल की बात करी जाए, एमपी की कल्चरल कैपिटल क्या है? तो जबलपुर। तो ये सारी चीजें याद रखा करो। स्पोर्ट पंचायत ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल में 2008 में, स्पोर्ट पंचायत। उसके अलावा बॉक्सर जो मेरी कॉम है उसको ऑनर किया था एमपी सरकार ने और कितने? 50 लाख रुपए दिए थे। हॉकी मध्य प्रदेश जो है वो हॉकी को रेगुलेट करती है। वुमेन हॉकी एकेडमी कहाँ पे है? ग्वालियर में। हॉकी प्लेयर लतीफ अनवर जो है वो बाद में जाके पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन भी बने। उसके अलावा ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब जो है एमपी में उसका नाम है पारसी क्लब, जो कि इंदौर में बनाया गया था 1890 में। एमपी में बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ पे है? जबलपुर में, याद रखना। स्नूकर का अगर जेनेसिस देखें तो वो जबलपुर में हुआ है। ठीक है, जबलपुर में। आगे चलते हैं, एमपी ने नेशनल गेम्स को 2 बार होस्ट किया, एक बार 1953 में और एक बार 1962 में। तांत्या टोपे स्टेडियम में एक स्पोर्ट म्यूजियम बनाई गई है जो कि जब भोपाल में है। उसके अलावा साई का जो रीजनल सेंटर है, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रीजनल सेंटर है वो है गोड़ेगांव भोपाल। एमपी में इकलौता एक ट्राइबल स्पोर्ट स्कूल है और वो कहाँ पे? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो प्रिलिम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे और सारे फैक्ट्स को याद करेंगे। Did you get me? तो प्लीज एंड प्लीज डू वॉट आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जिनके आपको जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह जो कि शुरुआत हुई थी जबलपुर से, आपको यह बताना है ये किस वर्ष में हुआ था झंडा सत्याग्रह? 1920, 1926, 1923 या 1930? क्लियर है क्वेश्चन? ये बताना है जो झंडा सत्याग्रह हुआ था जबलपुर में ये किस वर्ष में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट सत्याग्रह जो कि लॉन्च हुआ था जबलपुर में, सॉल्ट सत्याग्रह कहां पे हुआ था? जबलपुर में। तो ये बताना है किसके लीडरशिप के अंडर में हुआ था, गांधी जी, विनोबा भावे या सेठ गोविंद दास? सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह वैसे तो गांधी जी ने शुरू किया था नेशनल लेवल पे, लेकिन जबलपुर में किसके अंडर में हुआ था? तो गांधी जी मत टिक कर देना। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा और विष्णु दयाल भार्गव जो कि प्रोमिनेंट लीडर हैं वो किस सत्याग्रह से एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश में? झंडा से, सॉल्ट सत्याग्रह से, इंडिविजुअल सत्याग्रह से या जंगल सत्याग्रह से? आपको यह बताना है द्वारका प्रसाद मिश्रा और विष्णु दयाल भार्गव जो कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आपको यह बताना है ये एमपी के किस सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे? झंडा सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह या फिर जंगल सत्याग्रह? या तो आप इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो। प्लीज डू पार्टिसिपेट।
ओके, डोंट फॉरगेट। और देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किस में आप मेरी हेल्प चाहते हैं और जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है? तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे उसको जल्दी से जल्दी एकोमोडेट कर सकूँ। और डरने की ज़रूरत नहीं है, भले ही प्रीलिम्स में 3 महीने बचे हैं लेकिन सफिशियंट टाइम है, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सो प्लीज़ हैव फेथ ऑन मी। दोस्तों ये जो मैंने लेक्चर बनाया था वो मैंने पुराने पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे और एमपीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया था, और जो मैंने डेटा इंक्लूड किया वो इंटरनेट और कुछ रेफरेंस बुक से लिया है, ठीक है? दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये लेक्चर काफ़ी काम का है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डिसलाइक करें या कमेंट करके बताएं ये लेक्चर कैसा है। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर बाकी लोगों को भी देखना चाहिए, उनका भी फायदा होगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करो। प्लस उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने भी अभी तक फुल टाइम मेंबरशिप नहीं ली है मेरे चैनल की, तो प्लीज़ वो भी ले लें, बिकॉज फी बहुत नॉमिनल है लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है सो दैट मैं ये सीरीज कंप्लीट कर सकूँ। इज इट ओके दोस्तों? उसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे इस फोन पे फोन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें, और ये भी सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करें या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सजेस्ट दैट थिंग। दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानिया।